बसपा के उभार ने कांग्रेस के दलित वोटों में की सेंध मारी। बदल गए दोस्त और दुश्मन, रामलला ने साधी सियासत। बहुजन समाज पार्टी के उभार ने कांग्रेस के दलित वोटों में सेंधमारी कर दी। कांग्रेस का मुस्लिम वोट का अधिकतर हिस्सा मुलायम झपट ले गए। अगड़ी और गैर यादव पिछड़ी जातियों का अधिकतर वोट राम मंदिर की वजह कारण भाजपा के साथ लामबंद हो गया। बसपा सुप्रीमो मायावती 4 बार मुख्यमंत्री भी बनी। मायावती 3 बार भाजपा के सहयोग से और 1 बार अपने दम पर मुख्यमंत्री बनी। बदले समीकरण में मुलायम सिंह यादव 3 बार मुख्यमंत्री बने। 1 बार उनके बेटे अखिलेश यादव भी मुख्यमंत्री बने। बीच में कुछ सालों के लिए बीजेपी की लोकप्रियता में कुछ गिरावट हुई तो लोगों को लगा कि राम मंदिर का असर अब कम हो रहा है, लेकिन शायद इसका कारण बीजेपी खुद थी। इसके पीछे शायद कारण था भाजपा के तत्कालीन नेतृत्व का राम मंदिर मुद्दे को कभी घोषणा पत्र में शामिल करना और कभी बाहर रखना। लालकृष्ण आडवाणी के सोमनाथ से अयोध्या रथ यात्रा के सारथी रहे नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद यही साबित हो रहा है। नरेंद्र मोदी ने पीएम बनने के बाद वाराणसी, काठमांडू और केदारनाथ की यात्राओं से राजनीति को हिंदुत्व पर केंद्रित करना शुरू कर दिया। खासतौर पर 2019 में सर्वोच्च न्यायालय से राम मंदिर के पक्ष में फैसला आने के बाद पीएम मोदी ने जिस तरह देश की राजनीति और विदेशों के लिए देश की कूटनीति को राम के सरोकारों से भारतीयता और हिंदुत्व के रंगों से सराबोर किया, उसके निहितार्थ बहुत व्यापक है। यही वजह रही कि गैर कांग्रेसवाद के शिल्पकार आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, चौधरी चरण सिंह के गृह राज्य में इनके राजनीतिक विरासत पर दावा करने वाले मुलायम सिंह यादव जैसे नेता की सपा को कांग्रेस के साथ खड़ा होने को मजबूर कर दिया है। समाजवाद के नाम पर जो डॉक्टर लोहिया 70 के दशक में नेहरू और कांग्रेस को रोकने के लिए तत्कालीन जनसंघ से मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, उन्हीं के चिंतन से निकलने का दावा करने वाली सपा को वोटों की गणित से पीएम मोदी को तीसरी बार सत्तारूढ़ होने से रोकने के लिए कांग्रेस के साथ खड़ी है। कांग्रेस भी ये भूलकर कि सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव ही हैं, विदेशी मूल का मुद्दा उठाने के कारण सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनते बनते रह गई थी। कांग्रेस सपा से गलबहिया किए घूम रही है। 1980 में गठन के बाद हुए लोकसभा के लगातार 2 चुनाव में यूपी में एक भी सीट ना पाने वाली भाजपा 2024 और 2019 में लोकसभा के लगातार 2 चुनावों में क्रमशः 71 और 62 सीटें हासिल कर केंद्र में सरकार बना चुकी है। सहयोगियों की सीटें जोड़ दे तो ये आंकड़ा और बढ़ जाएगा। तीसरी बार भाजपा अभी से बढ़त लेती दिख रही है। यूपी में भी दूसरी बार भाजपा की सरकार बन चुकी है। भाजपा का विजय अभियान रोकने के लिए विपक्ष को कोई सटीक रास्ता नजर नहीं आ रहा है, उल्टे विपक्ष का खेमा टूटता जा रहा है, साथ ही छुटकते जा रहे हैं। कुछ दिन पहले तक भाजपा और मोदी को बुरा भला कहने वालों में कई भगवा खेमे में शामिल होने के लिए जुटे हुए हैं। सब्सक्राइब करें शाम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच, दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।